So hi students, welcome to your fourth lecture of chapter number टू that is collection of data. अब इस chapter में हमने majorly ये पढ़ा कि data कौन से sources से collect होता है और हमने primary sources की बात करी थी फिर हमने census और sampling की बात करी जहाँ पर census का topic हम complete कर चुके थे और हमने last class में majorly sampling के varieties और terms की बात करी थी सो लास्ट क्लास में हमने बात करी हमारी रैंडम सैंपलिंग की कि रैंडम सैम्पलिंग के कौन से पार्ट्स होते हैं एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जहाँ पे डेटा के हर एलिमेंट को सिलेक्ट करने की प्रॉबेबिलिटी उसको सिलेक्ट करने के चांस इक्वल होते हैं फिर उसके बाद हमने रिस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग की बात करी रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग में हमने बात करी जहाँ हमारे हेट्रोजीनियस यूनिट्स होते हैं वहाँ हमारी रिस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग यूज़ होती है अब रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग में मेरे फोर पार्ट्स थे स्ट्राटिफाइड रैंडम सैंपलिंग जिसमें मैं पूरे डेटा को स्ट्राटाज में चेंज कर देती हूँ और फिर उनमें से अपने एलिमेंट सेलेक्ट करती हूँ फिर हमारी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की बात आती है जहाँ हम पूरे डेटा को इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं और एनथ आइटम को सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद क्लस्टर सैम्पलिंग विच इज़ सिमिलर टू स्टार्टिफाइड सैंपलिंग वोली कि हम पूरे डेटा को क्लस्टर्स में डिवाइड कर देते हैं और हम रैंडमली कोई भी क्लस्टर सिलेक्ट कर लेते हैं एज इन पूरा का पूरा ग्रुप सिलेक्ट कर लेते हैं और वो पूरा ग्रुप हमारा सैम्पल बन जाता है उसके बाद मल्टी स्टेट सैम्पलिंग कि हम डेटा को वन बाय वन करते हैं जैसे अगर हमें किसी भी अर्बन एरिया के पॉपुलेशन का डेटा स्टडी करना है तो पहले मैं टाउन का करूंगी फिर मैं कोई हाउस होल्ड का करूंगी फिर इंडिविजुअल सो आई एम गोइंग इन स्टेजेस मैं एक ही बार में इंडिविजुअल को नहीं उठा रही मैं पहले उसको टाउन में डिवाइड कर रही हूं फिर हाउस होल्ड में कर रही हूँ और फिर उसके इंडिविजुअल दे रही हूँ आज हम नॉन रैंडम सैंपलिंग की बात करेंगे जिसमें हमारे तीन टाइप है जजमेंट सैंपलिंग कोटा सैंपलिंग एंड कन्वीनियंस सैंपलिंग तो चलिए आज की क्लास में ये स्टार्ट करते हैं एंड हम अपना कलेक्शन ऑफ डेटा का चैप्टर कवर कर देंगे पूरा ये चैप्टर थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ाया है मैंने आपके टी के पोर्शंस को ही थोड़ा सा एक्सटेंड करके पढ़ाया है क्योंकि आपके पीछे के क्वेश्चन जो है ये सारी डिटेल्स मांग रहे हैं सो so, हमारा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सैंपलिंग आता है वो है नॉन रैंडम सैंपलिंग हमें टर्म से ही पता चल रहा है कि दिस इज नॉट रैंडम सो इन दिस वॉट हैपन्स इज अंडर द नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड द सिलेक्शन ऑफ अ सैम्पल डिपेंड्स ऑन द जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर रादर दैन ऑन चांस अब रैंडम में क्या होता था कि हर एक एलिमेंट के चूज होने के चांसेस बिल्कुल सेम होते थे कि सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है देर इज़ नो बाइसनेस एज सच इन्वॉल्व बट नॉन रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है हम वो उसकी जजमेंट से सैम्पल सेलेक्ट करते हैं सो दिस मेथड डज नॉट प्रोवाइड एवरी आइटम इन द यूनिवर्स विद चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल दैट इज एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स इज नॉट गिवन एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन दैन नेक्स्ट इफ द इन्वेस्टिगेटर इज अनबाइस्ड एंड इंटेलिजेंट दिलेक्टेड सैंपल में बी मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन रादर दैन रैंडम सैंपलिंग वो कह रहे हैं कि अगर हमारा इन्वेस्टिगेटर जो होता है ही इज़ एन अनबाइज पर्सन मतलब वो बिल्कुल भी कोई पार्शालिटीज नहीं करता बहुत ही फेयर मीन से सैम्पल्स कलेक्ट करता है एंड हिफ ही इज़ इंटेलिजेंट देन हमारी नॉन रैंडम सैम्पलिंग जो होगी वो रैंडम सैम्पलिंग से ज़्यादा बेनिफिशियल आएगी उसके बाद द मेन मेथड ऑफ़ नॉन रैंडम सैम्पलिंग आर द फर्स्ट वन बी जजमेंट सैम्पलिंग अब इसमें क्या होता है जमेंट ऑफ द इनटर यानी जो हमारा इन्वेस्टिगेटर होता है उसकी जो भी जजमेंट होती है विद रिगार्ड टू द सैम्पल दैट इज टू बी टेकन हम उस जजमेंट को इन टू कंसिडरेशन लेते हैं So, the selection is deliberate and is based on the own idea of the invigilator. That is, the elements do not have an equal chance of selection. The judgment of the investigator uh, is imposed on the selection of sample. So, example. एंड इनविजुलेटर इज कंडिंग एंड ओपिनियन पोल टू असर्टेन द व्यू ऑफ स्टूडेंट इन रिगार्ड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ कैजुअल ड्रेस इनकूल सो वो बेसिकली स्टूडेंट्स का व्यू लेना चाहते हैं विद रिगार्ड टू वेदर द कैजुअल ड्रेस इज टू भी इम्पोज इन स्कूल और यूनिफॉर्म इज टू भी देयर सो द इन्विजुलेटर मेंज ओपिनियन आर टू रिप्रेजेंटेटिव आउट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ फिफ्टीन हंड्रेड स्टूडेंट सो वॉट ही डज इज की वो अपनी जजमेंट से बेस्ड ऑन इज इंटेलिजेंस एंड बेस्ड ऑन इज पास्ट एक्सपीरियंस वो फिफ्टी स्टूडेंट्स का सैम्पल कलेक्ट करता है एंड दी स्टूडेंट्स मे बी फ्राम डिफरेंट क्लासेज लाइक कोई टेन स्टूडेंट्स ही कैन टेक फ्राम सिक्स स्टैंडर्ड टेंथ स्टूडेंट ही कैन टेक फ्राम सेवन स्टैंडर्ड वो अपनी जजमेंट से इन फिफ्टी बच्चों का एक सैम्पल सेलेक्ट करता है आउट ऑफ द फिफ्टीन हंड्रेड जो उसे लगता है कि वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन तो जब वो ओपिनियन पोल ले रहा है वो क्या कर रहा है कि वो अपनी जजमेंट अपने एक्सपीरियंस और अपनी इंटेलिजेंस से सैम्पल को खुद सेलेक्ट कर रहा है तो इसे हम कहते हैं जजमेंट सैम्पलिंग जजमेंट का मतलब क्या हुआ कि जजमेंट दैट इज द ओपिनियन दैट इज द एक्सपीरियंस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर नेक्स्ट हम बात करते हैं कोटा सैंपलिंग की सो अंडर दिस मेथड द आइटम ऑफ पॉपुलेशन आर सब डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप्स एंड देन अ कोटा दैट इज द नंबर ऑफ आइटम सिलेक्टेड फ्रॉम ईच सब ग्रुप इज फिक्स। मतलब हम पूरे सैंपल को हम अपनी पूरी पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर इन सब ग्रुप से हम अपने सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं बट विद इन द गिवन कोटा द सिलेक्शन ऑफ सैंपल यूनिट्स डिपेंड ऑन द पर्सनल जजमेंट ऑफ द इन्विजुलेटर अब हमने जब नॉन रैंडम सैंपलिंग की बात ही करी थी तभी हमने ये चीज़ डिस्कस करी कि इसमें बेसिकली जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर हर उसमें रोल प्ले करेगी चाहे वो जजमेंट सैंपलिंग हो चाहे वो कोटा सैंपलिंग हो तो कोटा सैंपलिंग में बस ये होता है कि हम पूरी पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और उन सब ग्रुप से हम अपना सैंपल सिलेक्ट करते हैं जो सैंपल हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो भी किसकी बेसिस पे है वो भी जजमेंट ऑफ द इन्विजिलेटर की बेसिस पे है सो इन अ सर्वे ऑफ टीवी टीवी व्यूअर्स द इंटरव्यूअर्स मे बी टोल्ड टू इंटरव्यू 500 पीपल लिविंग इन सर्टेन एरिया एंड देन 55% ऑफ द इंटरव्यूड आर टू बी हाउसवाइव्स 30% शुड बी स्कूल स्टूडेंट्स 10% शुड बी एम्प्लॉइज एंड 5% शुड बी चिल्ड्रन

तो अब पहली चीज उन्होंने क्या की कि पहली चीज उन्होंने 500 को सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया उन्होंने एक कोटा डिफाइन कर दिया कि 500 में से 55 परसेंट जो होनी चाहिए वो हाउस का इंटरव्यू होना चाहिए उसके बाद 30 परसेंट जो होना चाहिए वो स्कूल स्टूडेंट्स का इंटरव्यू होना चाहिए 10 परसेंट शुड बी इंप्लाइज एंड फाइव शुड बी स्मॉल चिल्ड्रेन बेसिकली दे हैव डिवाइडेड दीज कोटा ऑन द बेसिस ऑफ द व्यूअरशिप कि सबसे ज्यादा टीवी जनरली आपने देखा होगा कि हाउस देखती हैं बिकॉज दे आर लाइक देर सम चैनल और सीरियल सबसे ज्यादा टीवी का व्यूअरशिप किससे आता है हाउस वाइफ से तो इसीलिए हाउसवाइफ को सबसे बड़ा कोटा दिया गया है और उसमें से कोटा में से

सो अंडर दिस मैथड वाई सिलेक्टिंग द सैम्पल यूनिट द इनविजुलेटर गिवस स्पेशल अटेंशन टू हिज कन्वीनियंस वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से काम करता है तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग से ही टर्म से ही आप समझ जाइएगा दैट ही वर्ग्स अकॉर्डिंग टू हिज ईज अकॉर्डिंग टू हिज कन्वीनियंस कि वो सैम्पल वहीं का सिलेक्ट करेगा जो एरिया उसके रेजिडेंस के आस पास हो जाए या जो एरिया उसके ऑफिस के आस पास हो सी सो ही वर्ड्स एज पर हिज कन्वीनियंस एंड ईज

डेली सो हमारी तीन तरह की नॉन रैंडम सैंपलिंग थी पहली सैंपलिंग हमने कौन सी बात करी जजमेंट सैंपलिंग जिसकी बहुत ही टर्म से ही क्लियर हो रहा है दैट इट इज बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर दूसरी सैंपलिंग हमने कौन सी बात करी कोटा सैंपलिंग सो so, कोटा सैंपलिंग में हम पूरी पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स यानी कोटाज में डिवाइड कर देते थे और उन कोटाज में से हम सैम्पल सेलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन वट बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर अगेन नेक्स्ट हमारी कन्वीनियंस सैम्पलिंग थी इसमें क्या कर रहे थे हैं? हम बेसिकली इन्वेस्टिगेटर जो सैंपल यूनिट लेता था वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लेता था कि कहाँ पे उसको ज़्यादा ईजी होगा सर्वे कंडक्ट करना तो ये तीनों आपकी नॉन रैंडम सैंपलिंग थी कौन सी कौन सी रिपीटेड विद मी वंस फर्स्ट जजमेंट सैम्पलिंग सेकेंड कोटा सैम्पलिंग एंड थर्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग तो ये हमारे नॉन रैंडम सैम्पलिंग कंप्लीट होता है अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि बात करता है स्टैटिस्टिकल एरर्स कि स्टैटिस्टिकल एरर्स कौन से तरह के हो सकते हैं एंड हम इन्हें कैसे रिड्यूस भी कर सकते हैं सो इन स्टैटिस्टिक्स लिटरेचर स्टैटिस्टिकल एरर रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द कलेक्टेड डेटा एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ फैक्ट्स यानी कि जो हमने डेटा कलेक्ट करा है और जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ फैक्ट्स है उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो बेसिकली मेरा एरर होगा सो सच एरर में अराइज ड्यू टू सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग सैंपल, बेसिकली हमारे को जो डेटा कलेक्ट करना था और हमने जो डेटा कलेक्ट कर लिया वो गलत हो गया कि हमने जो सैंपल चूज़ किया दैट बेसिकली केम आउट टू बी अ रॉन्ग सैंपल इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन गिवन बाय द रिस्पॉन्डेंट द रिस्पॉन्डेंट जिनसे हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है दे हैव नॉट बिन ट्रू एंड फेयर इन गिविंग द रिस्पॉस सो दे हैव गि इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन थर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा बाय एस्टिमेट कि हमने डेटा बहुत ही प्रिसाइसली कलेक्ट नहीं किया वी हैव हैवन पुट इन द रिक्वायर्ड एफर्ट्स इन द कलेक्शन ऑफ डेटा और हमने बहुत ही एस्टिमेट बेसिस पे डेटा कलेक्ट करा है नेक्स्ट पर्सनल प्रेजुड ऑफ द इन्वेस्टिगेटर यानी पर्सनल बाइस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर आ गई है बीच में डेटा सैम्पल कलेक्ट करने में सो टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर कौन से होते हैं पहला टाइप होता है एंड नॉन एरर्स दूसरा होता है बाइसड एंड अनबाइज एरर्स हम अब इन चारों को बेसिकली सैम्पलिंग एरर नॉन सैम्पलिंग एरर बाइस्ड एरर और अनबाइज एरर को एक ही करके स्टडी करते हैं सो so, आपको सैम्पलिंग एरर का मतलब समझ में आ गया इट इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द कलेक्टेड डेटा एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ फैक्ट्स सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द कलेक्टेड डेटा एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ फैक्ट्स तो पहले हम बात करते हैं सैंपलिंग एरर की तो आइए सैंपलिंग एरर इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल एस्टिमेट एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन तो सैंपलिंग एरर मतलब डिफरेंस सो इट इज वॉट द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल एस्टिमेट जो सैंपल का एस्टिमेट हो एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सैंपल सो एग्जाम्पल सपोज द हाइट ऑफ फाइव स्टूडेंट इज़ फिफ्टी इंच 55 फाइव 60 65 70 अब हम इनका एवरेज निकालते हैं तो हमारी एवरेज हाइट आती है सिक्सटी तो हमारे हिसाब से हमारा एस्टिमेट होना चाहिए था सिक्सटी सो सैम्पलिंग एस्टिमेट कितना है सिक्सटी इंचज नाउ इफ यू सिलेक्ट अ सैम्पल ऑफ टू स्टूडेंट्स हमने दो स्टूडेंट्स का सैम्पल सिलेक्ट किया इन फाइव में से विद द हाइट ऑफ 50 एंड 60 इंचेस, देन द एवरेज हाइट ऑफ द सैंपल विल बी 55. तो so, यानी एक्चुअल वैल्यू मतलब कि मैंने जो एस्टिमेट लगाया था मैंने एस्टिमेट लगाया था कि हाइट होगी 60 इंचेस के अराउंड बट मैंने जो दो बच्चों का सैंपल सेलेक्ट किया उनकी हाइट आई इंचेस हेंस द सैंपलिंग एरर वुड बी 60 minus 55 that is 5 डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेट एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ सैंपल तो आप लोग समझे जब हम सैंपल लेते हैं हम एक एस्टिमेट लगा लेते हैं हमने एस्टिमेट लगा लिया ऑफ द हाइट ऑफ द फाइव स्टूडेंट्स हमारे हिसाब से हाइट होनी चाहिए थी 60 बट अब जब मैंने अपनी पॉपुलेशन में से सैंपल पिक आउट किया यानी मैंने दो स्टूडेंट्स पिक आउट करे एज माई सैंपल उन दो की हाइट मेरी एवरेज कितनी निकली 55 तो so, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस दैट इज 60 इज माई ट्रू वैल्यू एंड 55 फाइव विच इज माई एस्टिमेट सो फाइव इज माई सैंपलिंग एरर तो आप लोगों को ये क्लियर हुआ सैंपलिंग एरर क्या होता है इट इज द डिफरेंस बिटवीन दैंपलिंग एस्टिमेट And the actual value of the characteristic of the population. So, thus the difference between the actual value of the parameter of the population which is not known and its estimate is the sampling error. Okay. So, next we are going to study the non sampling errors. So, these are the errors that occur in acquiring. रिकॉर्डिंग एंड टैब्यूलेटिंग द स्टेटिस्टिकल डेटा सो जो एरर हमारे अकर करते हैं इन द प्रोसीजर ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज द एक्वायरिंग ऑफ डेटा वेन वी रिकॉर्ड द डेटा और वैन वी टैब्यूलेट द डेटा दीज आर कॉल्ड नॉन सैम्पलिंग एरर्स तो ये एरर कौन से होते हैं जो हमारे डेटा को कोलेट करने में उसकी प्रेजेंटेशन करने में आकर हो रहे हो सो रिपीटेड विद मी द एर विच आर अकर ड्यूरिंग द एक्वायरिंग रिकॉर्डिंग एंड

कि दो की जगह तुम तीन या चार का सैम्पल ले लो तो वो अप्रॉक्सीमेटली जो है हमारा एवरेज तक आ जाएगा बट नॉन नॉन सैम्पलिंग एरर जो है अगर हम लार्जर सैंपल भी ले लेंगे लें तब भी वो रिड्यूस नहीं होगा क्यों क्योंकि वो एरर ही किस चीज़ का है वो एरर है ड्यूरिंग द एक्विजिशन रिकॉर्डिंग एंड टैबुलेटिंग ऑफ डेटा सो दिस एरर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द सैंपल अब सैंपल का साइज लार्ज लो स्मॉल लो बट अगर एरर है इन द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन रिकॉर्डिंग एंड टैबुलेटिंग ऑफ डेटा तो वो नॉन सैंपलिंग एरर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा वेर आज सैंपलिंग एरर जो है वो कैसे रिड्यूस डाउन हो सकता है सैंपलिंग एरर कैन बी रिड्यूस डाउन बाय टेकिंग द सैंपल बाय टेकिंग अ लार्जर साइज ऑफ द सैंपल सो आप सैंपलिंग एरर में ये एक ऊपर पॉइंट भी लिख लो अपनी नोटबुक्स में सैंपलिंग एरर कैन बी रिड्यूस्ड सैम्पलिंग एरर कैन बी रिड्यूस बाइज ऑफ द सैंपल ओके सो एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर के पहला हो सकता है एरर इन द डेटा एक्विजिशन की डेटा एक्वायर करते हुए आपसे कोई एरर हो गया है दिस टाइप ऑफ एरर अराइजेस फ्रॉम द रिक्डिंग ऑफ इन करेक्ट रिस्पॉन्सेज और रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा नेक्स्ट हो सकता है नॉन रिस्पांस एरर नॉन रिस्पांस एरर अकर इफ द इंटरव्यूअर इज अनेबल टू कांटेक्ट द पर्सन लिस्टेड ऑन द सैंपल और द पर्सन फ्रॉम द सैंपल रिफ्यूज़ टू रिस्पांस तो पहला हो सकता है ड्यूरिंग द एक्विजिशन ऑफ डेटा सेकेंड हो सकता है कि इंटरव्यूअर जो है ही इज नॉट एबल टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द पर्सन

ऑन द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर इन्फॉर्मेंट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ काउंटिंग मेजरमेंट और एक्सपेरिमेंट इन शॉर्ट मतलब अगर कोई भी सब्जेक्टिविटी आ जाती है कोई भी पार्शालिटी आ जाती है इन द कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज़ सम बाइस और इम्बेलेंस ऑन द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर और एनी इन्फॉर्मेंट और एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा यानी डेटा को जब कलेक्ट करते हुए कोई भी इम्बैलेंस आ जाता है कोई सब्जेक्टिविटी आ जाती है कोई बाइस आ जाती है तो हमारा बाइस्ड एरर आकर होता है अनबाइस्ड एरर एन एरर विच डज नॉट टेक प्लेस ऑन अकाउंट ऑफ एनी बायस विद एनी बट फॉर चांस और अ प्रिंसिपल इज कॉल्ड

चार एरर्स की बात करी फर्स्ट वन बीइंग द सैम्पलिंग एरर सेकंड वन नॉन सैम्पलिंग एरर थर्ड वन बाइस्ड एरर एंड द फोर्थ वन बीइंग अनबाइज एरर तो अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ, आते हैं जो बात करता है सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा तो अभी तक हमने प्राइमरी डेटा की इन डिटेल बात करी कि वो कलेक्ट कैसे होता है प्रॉब्लम थ्रू पर्सनल इंटरव्यू देन टेलीफोनिक इंटरव्यू देन वी डिस्कस्ड अबाउट द मेल्ड क्वेश्चनर्स देन क्वेश्चनर्स टू बी फिल्ड बाय द एन्यूमरेटर ये हमारे सारे थे प्राइमरी डेटा उसके बाद हमने बात करी थी कि सैम्पलिंग की सेंसिस कैसे कलेक्ट होता है सैम्पलिंग कैसे होती है सैम्पलिंग के हमने बहुत सारे पार्ट्स पढ़े फिर हमने सैम्पलिंग एरर्स की बात करी और अब हम हमारे आते हैं सेकेंडरी डेटा पे सेकेंडरी डेटा क्या होता था इसे हम क्या कहते थे इसका दूसरा टर्म होता था सेकेंड हैंड डेटा मतलब ये डेटा बिल्कुल फ्रेशली या फ्रेशली कलेक्टेड नहीं है तो सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर टू हेड्स फर्स्ट वन प्ल पब्लिश सोर्स सेकेंड वन अनपब्लिश सोर्स पब्लिश्ड मतलब कि जो प्रिंटेड सोर्स है जो इजिली पूरी पब्लिक को अवेलेबल है एंड इज नथिंग हिडन इन द डेटा So, published source. There are a number of national, that is, any government, semi government, or any private organizations, and also international agencies which collect statistical data in different fields like national income, population, prices, employment, wages, etc. These reports are published on a regular basis that is annually, quarterly, monthly or fortnightly. So basically when these organizations, probably national organizations, be government, semi-government or private organizations or international organizations, they collect data and this data is generally related to the national income or the prices or the demographics. और वेजेस और एम्प्लॉयमेंट डेटा एक्सेट्रा एंड दिस डेटा इज प्रिंटेड एवरी मंथ और दिस डेटा इज अवेलेबल एनुअली और फोर्टनाइटली और क्वार्टरली सो द इम्पॉर्टेंट पब्लिक सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा इज ये बहुत ही जनरल और कॉमन सोर्सेज है तो पहला द ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिशियल पब्लिकेशन इसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको सीधा दिए हैं जैसे कि कोई भी एनुअल इकनॉमिक्स ऑवेस सेंट्रल गवर्नमेंट ने पब्लिश की है या डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द फाइव ईयर प्लान और सेंसिस और इंडियन एनुअल बुक्स सो ये सारे मेरी ऑफिशियल पब्लिकेशन होते हैं बाई होम बाई द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट नेक्स्ट हो सकता है हमारा सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस सेमी गवर्नमेंट मतलब कोई भी म्यूनिसपालिटीज़ का डेटा प्रिंटेड हो जैसे रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दी बर्थ डेथ एजुकेशन सैनिटेशन एंड मेनी अदर रिलेटेड फील्ड्स सो ये डेटा जनरली सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रिंट करती हैं जैसे कि एम हो गई या कोई विलेज लेवल पर लोकल लेवल पे कोई गवर्नमेंट बॉडी हो गई उसके बाद रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमिशन

इन जिस इशू के लिए उन्हें बनाया गया था दे हैव टू सबमिट अ रिपोर्ट विद रिगार्ड टू दैट इशू एग्जांपल पे कमीशन रिपोर्ट सो दिस वाज बेसिकली द रिपोर्ट ऑफ कमिटी एंड कमीशन पहला हमने कौन सा पढ़ा कि ऑफिशियल रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट सेकंड हमने पढ़ा सेमी ही गवर्नमेंट फॉर्म की रिपोर्ट जैसे कि एम ने कोई भी रिपोर्ट प्रिंट करी थर्ड हमने पढ़ा रिपोर्ट ऑफ कमिटीज एंड कमीशन फोर्थ हम पढ़ रहे हैं पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन कि कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जैसे कि आई सी ए आर विच इज बेसिकली इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आई एस आई विच इज बेसिकली इंडियन स्टाटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और योर एन सी आर टी ऑल्सो सो रिसर्च दे पब्लिश सो वैन वी गेद डेटा फ्राम देन दैट इज़ द पब्लिश डेटा फ्राम देन दैट बिकम्स अ सेकेंडरी डेटा नेक्स्ट कोई भी इंटरनेशनल पब्लिकेशन दैट इज द रिपोर्ट पब्लिश बाई डब्ल्यू एच ओ और यू एन और आई एम एफ और वर्ल्ड बैंक तो इन ये जो भी डेटा प्रिंट करते हैं वो भी हमें अवेलेबल होता है देन हमारा आता है मोस्ट कॉमन न्यूज पेपर एंड मैगजीन्स तो जो भी डेटा हमें न्यूज़पेपर और मैगज़ीन्स के थ्रू अवेलेबल होता है वो भी सेकेंडरी डेटा होता है तो ये हमने बात करी थी इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा की अब अनपब्लिश्ड डेटा कौन सा होता है अभी हमने पिछले टॉपिक में क्या पढ़ा पब्लिश डेटा यानी जो प्रिंटेड होता है जो हमें इजीली अवेलेबल होता है अब अनपब्लिश डेटा क्या होता है व्हेन डेटा कलेक्टेड नॉट पब्लिश्ड यानी उसको प्रिंट नहीं किया गया एंड इज टेकन बाय अदर पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन देन इट इज़ कॉल्ड अनपब्लिश्ड सेकेंडरी डेटा अब जब भी डेटा पब्लिश नहीं किया गया दैट इज इट इज़ नॉट पब्लिकली अवेलेबल बट द डेटा कैन बी टेकन बाय सम अदर पर्सन फॉर कंडक्टिंग हिज इन्वेस्टिगेशन देन दैट इज अनपब्लिश डेटा इसके एग्जांपल्स क्या होंगे रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय द प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कंपनीज तो ये जो रिपोर्ट्स प्रिपेयर होती हैं ये ओपनली पब्लिश नहीं होती दीज आर दीज आर कैप सीक्रेट दीज आर कैप कॉन्फिडेंशियल सो दिस इज अनपब्लिश डेटा अब लिमिटेशन ऑफ सेकेंडरी डेटा क्या होता है कि कोई प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं होता फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा अगर पब्लिश डेटा है तो सब उसको कलेक्ट कर जा रहे हैं सब डाउनलोड कर रहे हैं इज नो प्रॉपर प्रोसीजर सेकेंडरी डेटा में भी इन्फ्लुएंस बाय द प्रेजुडिस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर दैट इज सेकेंडरी डेटा में भी इन्फ्लुएंस बाय द बाइसनेस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर यानी इट मे बी इन्फ्लुएंस बाय द जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर सेकेंडरी डेटा सम लैक स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी देन इट मे नॉट कवर द फुल पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी आपको जितने पीरियड के लिए चाहिए होता है वो डेटा दैट डेटा डज नॉट कवर दैट फुल पीरियड दैट यू रिक्वायर्ड तो ये हमारा सेकेंडरी डेटा था जिसमें दो सोर्सेज होते हैं पहला पब्लिश सोर्स दूसरा अनपब्लिश्ड पब्लिश्ड के हमने बहुत सारे सोर्सेज की बात करी जैसे गवर्नमेंट ने कोई डेटा प्रिंट किया है कोई कमिटीज या कमीशन ने प्रिंट किया है कोई न्यूज पेपर मैगजीन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और हमने बात करी अनपब्लिश डेटा की यानी जो डेटा पब्लिकली अवेलेबल नहीं है जैसे रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और फिर हमने बात करी लिमिटेशन ऑफ सेकेंडरी डेटा तो ये ओवरऑल हमारा टॉपिक किसका था सेकेंडरी डेटा अब नेक्स्ट हम अपने सेकेंड लास्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है सेंसस ऑफ इंडिया अब सेंसस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम पढ़ चुके हैं उसमें क्या क्या एलिमेंट्स भी आते हैं इस टॉपिक में हम ब्रीफली उसके बेसिकली फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करते हैं सो सेंसिस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द मोस्ट कंप्लीट एंड द कंटिन्यूस डेमोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ द पॉपुलेशन अगर आपको सबसे एक्यूरेट सबसे कंप्लीट सबसे रिलायबल सोर्स ऑफ डेमोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ इंडिया चाहिए तो आप किस चीज को सर्च करेंगे आप सेंसिस देखेंगे सो द सेंसेस इज कंडक्टेड एवरी टेन ईयर्स ऐसा नहीं है कि हर साल सेंसेस कंडक्ट हो रहा बिकॉज इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस सो सेंसेस इज कंडेड इन एवरी टेन ईयर्स

Okay, so census collects information on various aspects of the population such as size, density, sex ratio, literacy, migration, rural urban distribution, etc. The most recent census is 2011. So, पहला पहलास कब आया था आफ्टर इंडिपेंडेंस हर दस साल में कंडक्ट होता है आफ्टर द ईयर कौन सा था इंडिपेंडेंसिसलेवन का और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये करती है इट इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसके बाद सेकेंड लास्ट टॉपिक हमारा आता है द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इसकी मैंने एब्रीवियशन जहां लिख दी है एन एस एस ओ The National Sample, Sample Survey was set up in the year 1950. This was the National Sample Survey. Okay, it was set up in the year 1950. The basic aim of setting up NSS was to fill up the large gaps in the statistical data for computation of the national income. एग्रीगेट स्पेशली इन रिस्पेक्ट ऑफ द अनऑर्गेनाइज एंड हाउस होल्ड सेक्टर ऑफ द इकोनमी सो इसका बेसिक पर्पज क्या था कि जो भी गैप्स हैं इन द स्टेटिस्टिकल डेटा इन परटिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू द अनऑर्गनाइज सेक्टर दाउस होल्ड सेक्टर उसको फिलअप करना

सो द डेटा कलेक्टेड बाय एन एस एस ओ सर्विस ऑन डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स आर रिलेट आर रिलीज थ्रू अ रिपोर्ट एन क्वार्टरली जर्नल कॉल्ड एज सर्वेक्षणा ओके सो सर्वेक्षणा के थ्रू ये रिपोर्ट हर क्वार्टरली जनरेट होती है एन एस एस ओ क्वार्टरली रिपोर्ट जेनरेट करता है जिसमें वो सर्वेक्षणा के थ्रू अपना डेटा रिलीज आउट करता है तो ये आप उसके क्वार्टरली रिपोर्ट का नेम याद रखेंगे सो एन एस एसओ प्रस पीरियोडिक लिटरेसी स्कूल एनरोमेंट यूटिलाइजेशन ऑफ द एजुकेशनल सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर मेटर्निटी चाइल्ड केयर जो भी सारे ये डेटा होता है विद रिस्पेक्ट टू द डेमोग्राफीज विद रिस्पेक्ट टू दायर पॉपुलेशन वो सारा डेटा कलेक्ट ऑन करता है एन एस एस ओके सो एन एस एस ओ इज इन्वॉल्व इन थ्री टाइप्स ऑफ सर्वे ये तीन तरह के सर्वे करता है मिक सर्वे देन एनुअल सर्वे एंड एग्रीकल्चर सर्वे आपकी एनसीआर टी में इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं दिया हुआ तो इसलिए मैंने आपको बस इसके नेम करवाए हैं तो आप पहले इस वाले पार्ट को नोट डाउन करो पॉज करके अब हम नेक्स्ट आते हैं एक्टिविटीज ऑफ एन एस एस ओ

नेक्स्ट होता है इट कंडक्ट सैम्पल चेक ऑन द एरिया ऑफ एन्यूमरेशन एंड क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे ऑफ द स्टेट स्टैटिस्टिकल एजेंसी दैट इज विद रिगार्ड टू द एग्रीकल्चर सर्वे एंड इट प्रिपेयर अर्बन फ्रेम्स यूजफुल इन ड्रॉइंग द अर्बन सैम्पल नेक्स्ट होता है इट कलेक्ट द प्राइज डेटा फ्रॉम द रूरल एंड अर्बन एरियाज And conducts ad hoc surveys and pilot inquiries for methodological studies. Ad hoc survey मतलब एक तरीके का sample और temporary survey. Pilot survey हमने पिछली class में पढ़ा था. Pilot survey is basically a pre survey कि आप methodologies को test कैसे कर रहे हैं. तो ये हमारा NSSO के related था topic. ये हमारा chapter number two को हमने complete किया है. अब हम NCRT के back questions को फटा-फट discuss करके इस chapter को close down करेंगे. तो लास्ट क्लास में हमने सबसे पहला क्वेश्चन कंप्लीट करा था देन वी डिड द सेकेंड वन वी वर लेफ्ट विद द थर्ड क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स, सो आप लोग प्लीज पहले अपनी एनसीईआरटी टी खोलो ठीक है आप लोगों को ये विजिबल है वरना आप अपनी बुक्स भी एक बार खोलो

most suitable method of collecting data when the population is literate and spread over a large area so telephone survey is not the most suitable form of data false Aab answer in your notebooks mein. telephone survey is useful for conducting inquiry over a large area

Telephone survey is useful for conducting inquiry over a large area. However, it is not necessary that the population is literate. So, this method is more suitable. सो दिस मैथड इज मॉस्ट सूटेबल फॉर इिटरेट पॉपुलेशन स्प्रेड ओवर अ वास्ट एरिया बट जो इन्होंने पूछा है दैट इज लिटरेट एंड वास्ट तो इसके लिए कौन सा मेथड सबसे ज्यादा सूटेबल होगा इसके लिए हमारा मेल्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा सूटेबल होगा क्योंकि क्वेश्चनर हम उन्हीं को भेजते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन हमारी वास्ट और वाइड स्प्रेड होती है और हमारी पॉपुलेशन जो होती है वो लिटरेट होती है ओके okay?

सो कमिंग टू द फोर्थ पार्ट देर इज अ सर्टन बाइस इन्वॉल्व इन द नॉन रैंडम सिलेक्शन सैंपल नॉन रैंडम कौन सी थी जहाँ पे हमारा इन्वेस्टिगेटर की बाइसनेस जहाँ पे हमारे तीन मेथड आते थे याद करो जजमेंट सैंपलिंग कोटा सैम्पलिंग कन्वीनियंट सैंपलिंग और इनमें हमने मोस्टली पढ़ा कि सैंपल अगर हम कोटाज में भी डिवाइड करते हैं तो उसके बाद जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर इन टू प्ले आती है सो द स्टेटमेंट इज ट्रू under the non-random sampling the selection of the sample the selection of the sample depends on the judgment of the investigator okay so fifth part non, non sampling errors can be minimized by taking large samples हमने ये पॉइंट पे बहुत फोकस डाल के पढ़ा था कि हमारे सैम्पलिंग एरर्स जो होते हैं वो रिड्यूस डाउन हो जाते हैं अगर हम लार्ज सैंपल लें बट हमारे नॉन सैम्पलिंग एरर्स जो होते हैं वो रिड्यूस डाउन नहीं होते चाहे हम लार्ज सैम्पल भी लें क्योंकि वो जो एरर होता है वो किससे अराइज होता है दैट एरर अराइज बिकॉज ऑफ द एक्विजिशन रिकॉर्डिंग एंड टेब्यूलेशन ऑफ डेटा सो जस्ट राइट डाउन द आंसर द स्टेटमेंट इज फॉल्स non sampling errors non sampling errors are errors that occur errors that occur in acquiring recording and tabulating the data so even if the sample size is taken large then also the chances of error don't come down okay फोर्थ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है कि कंडक्टर सर्वे ये ये तो प्लीज आप लोग कर लीजिएगा सूटेबल क्वेश्चन है बनाना है उसके बाद सिक्स क्वेश्चन इन अ विलेज ऑफ टू हंड्रेड विलेज ऑफ टू हंड्रेड स्टडी वॉज कंडक्टेड टू फाइंड द क्रॉपिंग पैटर्न आउट ऑफ द फिफ्टी फार्म सर्वे फिफ्टी परसेंट ग्री ओनली वीट व्हाट इज द पॉपुलेशन एंड वट इज दैंपल साइज पॉपुलेशन मतलब मेरा ओवरऑल कितना था ओवरऑल मेरे टू हंड्रेड फार्म थे उसमें से मैंने सैंपल कितने का स्टडी किया फिफ्टी का सो so, पॉपुलेशन क्या हो गई टू हंड्रेड फार्म और सैंपल साइज क्या हो गया फिफ्टी फार्म ठीक है उसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन पे आइए गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ इच्छ सैम्पल पॉपुलेशन एंड वेरिएबल ये लोग आप ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे फिर उसके बाद विच शो ऑफ द फॉलोइंग मेथड गिव्स अ बेटर रिजल्ट एंड वाई कि सेंसिस और सैम्पल में से कौन सा हमें बेटर रिजल्ट देता है तो हमने क्या पढ़ा था कि सैम्पलिंग हमें बेटर रिजल्ट देता है इसमें आपको क्या लिखना है आपको मेरिट्स ऑफ सैम्पलिंग लिखने हैं जिसमें हमारा आता था रिड्यूस कॉस्ट ग्रेटर स्पीड ग्रेटर एक्यूरेसी ग्रेटर स्कोप तो ये सारे आपको मेरिट्स लिखने हैं Of sample. इसका आप स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन लिख लीजिए वो मैं आपको लिखवा देती हूँ सो इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट्स ये बस इंट्रोडक्शन लिखवा रही हूँ उसके बाद आपको मेरिट्स ऑफ सैंपलिंग ही लिखना है इसमें सो इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स, रिजल्ट इज कंसिडर्ड अ बेटर मेथड in terms of the accuracy of result census is considered a better method as it studies as it studies each and every unit of the universe however this method is very time consuming expensive

अब आप नेक्स्ट पे आइए डज लॉटरी मेथड ट्वेल्थ क्वेश्चन पे आइए पहले अपने सो डज द लॉटरी मेथड ऑलवेज गिव अ रैंडम सैंपल इसका आंसर लिखिएगा लॉटरी मेथड ऑलवेज गिव अ रैंडम सैंपल इफ इट इज प्रॉपरली यूज्ड इफ इट इज प्रॉपरली यूज्ड विदाउट एनी बिजनेस If the slips are properly prepared of identical size and shape, if the slips are properly prepared of identical size and shape and are drawn out one by one, and are drawn out one by one such that. लेक्शन देन इट डेफिनेटली गिवस अ रैंडम सैंपल तो इसमें हम पूछ रहे थे लॉटरी हमेशा रैंडम सैंपल देती है तो हम कहते हैं कि इफ द स्लिप्स आर प्रॉपरली प्रिपेयर दैट इज देर आइडेंटिकल इन साइज एंड इन शेप एंड इट इज सिलेक्टेड वन बाय वन विद ईच स्लिप है रैंडम सैंपल एवरी टाइम और वो रैंडम सैंपल कब नहीं देगा जब हम स्लिप को आइडेंटिकल नहीं बनाएंगे हम उन पर कोई एक मार्क प्लेस कर देते हैं ताकि हमेशा वही स्लिप सिलेक्ट हो है. हम प्रोबेबली जो स्लिप चाहते हैं सिलेक्ट हो उसका साइज बड़ा कर देते हैं तब वो रैंडम सैंपल नहीं देगी ओके सो इलेवेंथ क्वेश्चन पे आइए अब डिस्कस हाउ वुड यू यूज द लॉटरी मेथड टू सिलेक्ट थ्री स्टूडेंट्स आउट ऑफ टेन इन योर क्लास तो आप कैसे करेंगे सबसे पहले आप टेन स्टूडेंट्स के नाम में एक स्लिप पे लिख देंगे द स्लिप शुड बी आइडेंटिकल एंड ऑफ द सेम साइज उसके बाद आप स्लिप्स को फोल्ड करेंगे यू विल प्लेस दम इन अ बोल्ड एंड एन अनबाइज पर्सन हेज टू कम एंड पिकअप अ स्लिप तो ये आप अपने अपने आप प्रोसीजर लिख लेना ठीक है उसके बाद थर्टीन क्वेश्चन पे आते हैं एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर सिलेक्टिंग अ रैंडम सैंपल ऑफ थ्री स्टूडेंट्स आउट ऑफ टेन इन योर क्लास बाय यूजिंग द रैंडम नंबर टेबल ये हमने पिछली क्लास में भी बीच में सेम क्वेश्चन लिखा था इसका आंसर मैं आपको आज की क्लास में लिखवा देती हूं सो आंसर लिखिएगा द रैंडम नंबर टेबल्स रैंडम नंबर टेबल्स आर अवेलेबल Random number tables are available either in published form. So, random number tables are available either in published form or are obtained using a software package. Okay, so the procedure for selecting three students out of ten. स स्टेप टू एज द लार्जेस्ट सीरियल नंबर इज टेन एज द लार्जेस्ट सीरियल नंबर इज टेन वी विल कंसल्ट टू डिजिट रैंडम नंबर इन सीक्वेंस स्टेप थ्री वी विल सिलेक्ट थ्री नंबर रैंडमली हमें तीन बच्चे चाहिए ना क्लास में से तो हम तीन नंबर रैं सिलेक्ट करेंगे सो वी विल सिलेक्ट थ्री नंबर रैंडमली

थ्री स्टूडेंट हुए डिटेल में नहीं है बट पीछे क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने आपको एक आंसर इसका लिखवा दिया है सो डू सैम्पल प्रोवाइड बेटर रिजल्ट गिव यू आंसर इन ब्रीफ तो इसमें हम क्या लिखेंगे

वही इंट्रोडक्शन और उसके बाद जो मेरिट्स आएंगे आपके सैम्पल के उन्हें ब्रीफ डाउन कर देना तो ये हमारा चैप्टर नंबर टू कंप्लीट होता है आप लोग प्लीज सारे नोट्स अपने कंप्लीट कर लेना उसको लिंगर ऑन मत करना नेक्स्ट क्लास के लिए या बाद में नोट डाउन कर लेने के लिए और जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैंने आपको डिक्टेट करे हैं उनको अपनी नोटबुक में साइड बाय साइड प्लीज लिख लेना सो नेक्स्ट क्लास से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर थ्री स्टार्ट करेंगे achkile itnahi and please revise this class please revise this lecture so i'll see you guys in the next class thank you so much